आज मैं आप सबके समक्ष एक ऐसे गुप्त ग्रुप के विषय में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर साधनाएँ टोटके यंत्र तंत्र मंत्र के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है और यह जनवरी माह का ग्रुप जिसमें क्या क्या जानकारी दी जाएगी अब मैं आप सबके समक्ष साझा करने जा रहा हूँ इस माह में साधनाएँ टोने टोटके ध्यान क्रिया योग योग निद्रा आयुर्वेद तंत्र मंत्र यंत्र आध्यात्म विज्ञान ज्योतिष एवं हस्तरेखा के विषय में जानकारी दी जाएगी और विशेष अत्यंत विशेष है उसके विषय में अंत में बताया गया है यह नव वर्ष का ग्रुप है इसलिए सभी साधकों को इस ग्रुप में जुड़ने से कुछ न कुछ उपहार स्वरूप जरूर मिलेगा और वह उपहार उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से दीपावली के समय पर दिए गए थे संस्था द्वारा सभी साधकों को अब हम समझते हैं कि तंत्र साधना में इस बार शमशान की दो ऐसी साधनाएं बताई जाएंगी जो आप घर पर कर सकते हैं माला संस्कार कैसे करें मूठ चलाने की विधि क्या होती है मारण तंत्र की क्रिया वशीकरण की एक तीस दिवसीय सफल साधना धन पिशाच एवं पिशाचनी साधना एक साथ कैसे सिद्ध करें चंडाल साधना की सिद्धि और इन सब से होने वाले लाभ के विषय में आपको बताया जाएगा मंत्र साधना मैथुन प्रिय योनि यक्षिणी साधना काम कामनी योगनी शीर परी का इल्म रक्त विभोर पिशाच भूषणी अप्सरा कर्ण पिशाचनी साधना की सबसे आसान विधि कुल देवी और देवता को किस प्रकार से प्रसन्न करें उसकी सिद्धि कैसे करें उसके विषय में पूर्ण जानकारी यंत्र निर्माण में आप इस जो माह है उसमें चंद्र यंत्र स्वप्नेश्वरी यंत्र उन्नति यंत्र सर्वकार सिद्धि यंत्र श्री यंत्र गुप्त श्री यंत्र चांडालिनी यंत्र इसके विषय में आप सीखेंगे ज्योतिष एवं हस्तरेखा इसमें हम इस बार समझेंगे कि सर्प दोष का निवारण कैसे हो पैतृक दोष का निवारण कैसे होता है मांगलिक दोष का निवारण कैसे होता है दरिद्र योग का कैसे नाश किया जाए और ग्रह नक्षत्र का कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे क्रिया योग एवं योग निद्रा में हम जो इस बार समझेंगे क्रिया योग से मिलने वाली स्वयं से मिल जाने वाली बीस सिद्धियां महावतार बाबा जी का असली नाम और उनके विषय में जानकारी क्रिया योग के माध्यम से किसी भी ग्रह को संतुलित कैसे करें योग निद्रा से त्रिकालदर्शी कैसे बने क्रिया योग एवं योग निद्रा के कुछ पुराने पोस्ट जिससे साधक सब कुछ समझ सकें महावतार बाबा जी और लहड़ी महाशय के बीच की कुछ रहस्यमयी बातें जो आप सबके समक्ष साझा करूंगा आध्यात्म एवं विज्ञान में हम समझेंगे शिव शक्ति का पूर्ण रहस्य दो शक्ति पीठ की पूर्ण जानकारी एक ज्योतिर्लिंग के विषय में पूर्ण जानकारी मंदिर ही क्यों अमृत क्या है और कहां से आता है ये गीता श्लोक नंबर चार का पूर्ण सही अर्थ जो श्री कृष्ण कहना चाहते थे और सृष्टि का यदि अंत होगा तो कैसे होगा अब आयुर्वेद पे आते हैं कि इस माह में हम आयुर्वेद में समझेंगे गाढ़ा कैसे करें लिंग को ठोस कैसे रखें स्किन पर आपकी जो चमड़ी है उस पर चमक कैसे लाएं बालों की रक्षा कैसे करें नेत्र शक्ति को कैसे बढ़ाएं विशेष में इस माह दो महाविद्या के विषय में पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा आप पिछले माह में धूमावती एवं माता बगलामुखी के विषय में दिया गया सिद्ध साधना का दर्पण कोयला से होने वाली सिद्धियां हट योग के वह दो नियम जो स्वयं शिव ने दिए थे उसके विषय में चर्चा होगी टोने और टोटके में दो अति तीव्र टोटके वशीकरण एवं उच्चाटन के टोने में झाड़ा और उतारा करना जनवरी माह का या जो पेड ग्रुप है जो आप सबके समक्ष मैंने बताया इसमें यह सारी जानकारी आपको पूर्ण माह में दी जाएगी और इसका शुल्क आज से लेके 10 जनवरी तक आपको ज्वाइन करने का पाँच सौ मात्र है और उसके बाद इसका शुल्क जिस समय से जिस समय तक क्या है वह आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं बीच में कुछ साधकों को मैंने पहले भी बताया था सितंबर माह से ये बता रहा हूं लेकिन मैंने स्क्रीन पर लिख भी दिया है कि यह पेड ग्रुप का शुल्क पूर्ण रूप से संस्था के अन्य कार्यों में उपयोग हो रहा है इसलिए इसे आप आश्रम अनुदान की तरह ना लें और यदि आप आश्रम अनुदान देना चाहते हैं तो इसी शुल्क के साथ कुछ ऐड करके दें मैं स्वयं से भी जानना चाहता हूं कि कितने साधक अलग से आश्रम अनुदान देने के इच्छित हैं और कितने साधक आश्रम में कितना अनुदान कर रहे हैं आप बैंक अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में आपको यह ट्रस्ट है संस्था है जिसमें धनराशि जमा करनी है और नीचे पेटीएम और यही व्हाट्सएप नंबर है ईग्राम आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सीधे ग्रुप से जुड़ जाएं और वहां पे धनराशि जमा करके आप मुझे डायरेक्ट यहां पर मैसेज कर सकते हैं